हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज अब जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि एक रिंग है ये वाली, तो वैसे स्पेसिफाई नाम मुझे नहीं पता इस रिंग के बारे में, तो बस ऐसे ही हम अभी आपको मैं बता रहा हूँ। तो आज हम कोशिश करते हैं ये रिंग बनाने की। वैसे ये भी मेरा कस्टम ऑर्डर ही है मेरे पास। तो पहले तो मैं आपको डिटेल इसकी बता दूँ, तो पहले तो आप मुझको मैं फ़ोटो ठीक से बता दिया, तो अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप इस पे प्रैक्टिस करना चाहे। तो ये इमेज है 1, ये 2 और ये 3। ये 3 इमेज है टोटल हमारे पास। और इस पे मैं आपको डिटेल्स की बात करूँ तो मुझे US की 8.5 की रिंग साइज लेनी है, और मैक्सिमम हम 10 ग्राम इसको टारगेट मिला है मुझे 14K में। और कैरेट की बात करूँ तो 0.50 से 70 कैरेट का टारगेट इसका है, तो उसके अंदर हमें रहना है। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि सिर्फ बीच में सिर्फ एक डायमंड है, लेकिन इसमें सिर्फ बीच में एक डायमंड नहीं है। इसमें डायमंड आपको मैं बताऊँ तो इतना ही है, यहाँ तक ही ये इतना ही डायमंड है। इसके बाद ये पूरी पैटर्न यूज़ की गई है ताकि देखो यहाँ पे आपको अच्छे से इसमें दिख रहा होगा, ताकि ये मिरेकल सेटिंग भी नहीं है। इतना छोटा डायमंड इसमें यूज़ किया है ताकि दूर से लगेगा कि बड़ा डायमंड यूज़ हुआ है। तो ये एक डिज़ाइन है ऐसी जिसमें कम कैरेट यूज़ करते हुए हम डायमंड को बड़ा दिखा सकते हैं। तो चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले तो आपको पता ही है जैसे कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो यहाँ पे मैंने सेटअप करके रखा है। तो 8.5 की रिंग साइज़ यहाँ पे लेनी है हमें। इतना होने के बाद अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले तो एक टेक्स्चर बनाएंगे। कौन सा? ये जो बाहर का जो टेक्स्चर है, पहले हम कोशिश करेंगे कि पार्क बाहर की पूरी बॉडी बना ले। बॉडी पूरी क्रिएट होने के बाद ऊपर का जो भी आपको टेक्सचर दिख रहा है उसको हम काउंट करके एग्जैक्टली इसके तरह बिठाने की कोशिश करेंगे। तो हमें ज़्यादातर क्लोज जाना है रिंग के, 80% भी चले जाते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छा है अगर ज़्यादा कर सके तो ठीक है। चलो तो यहाँ पे पहले क्या करना है कि पहले तो एक टेक्सचर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसकी ज़रूरत मे भी नहीं है, अगर पड़ी तो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ रिंग साइज़ लेते हैं इस वाली रिंग के लिए। यहाँ पे F6 करके हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एड प्रोफाइल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ठीक है। तो दूसरी इमेज देखते थोड़ा सा आइडिया लेते देख के। तो यहाँ पे एड प्रोफाइल कर लिया है मैंने, और यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए कुछ ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे मैं टारगेट रखता हूँ 4 mm का, जैसे इमेज में देख के आपको आइडिया लेना है। यहाँ पे मैं नीचे की तरफ यहाँ पे क्या करते हैं कि 4.7 कर लेता हूँ, और ये लाइक 1.5। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, सेक्शन को ऐड करना है। यहाँ पे हाफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करेंगे, लाइक यहाँ पे मैं 7.5 कर लेता हूँ, और इसको भी यहाँ पे 2.2 जैसा रखते हैं फिलहाल। इसको हाफ में रखना है यहाँ पे, देखो अभी भी हाफ नहीं हुआ है, इस तरह से। ओके, एक बार और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक्शन को ऐड करेंगे, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे बड़ा करना है इसको, लाइक यहाँ पे मैं कुछ 11 mm रखता हूँ, और हाइट भी यहाँ पे थोड़ी बढ़ा लेंगे, लाइक 3.5। ओके, इतनी चीज़ करने के बाद इसको क्या करते हैं, मिरर कर लेते हैं पहले। ओके, इतना करने के बाद अभी इसको S1 देते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से टेक्सचर ये बनता है। यहाँ पे क्लोज कर लेना है। देखो अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा, यहाँ पे हमें ठीक करना पड़ेगा ये शेप को। तो उसको कैसे करेंगे कि ये जो है इसको एक बार इस तरह से थिन करके देखते हैं पहले। तो देखो अगर ये थिन करेंगे तो कुछ इस तरह से लग रहा है। तो एक बार और भी ट्राई कर सकते कि इसको नहीं लेते हैं और सिर्फ यहाँ पे S1 देते हैं, यहाँ पे क्लोज। ओके, देखो यहाँ पे भी टेक्सचर आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो इतनी चीज़ करने के बाद यहाँ पे अभी आगे क्या करना है, तो अभी हमें यहाँ पे इसको ठीक से शेप देना है। जैसे आप देख रहे हो कि कितना चौड़ा है रिंग, यहाँ पे लंबा है। तो इसको क्या करेंगे, देखो इसको हम एडिट करते हैं यहाँ पे थोड़ा कुछ, लाइक
यहाँ पे 17 या 18 mm तक मैं इस तरह से कर लेता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो आप, अच्छे से इसका लुक आ रहा है। तो इसको भी क्या करते हैं कि हाइट भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे मैं 5 mm तक कर रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ ये हो रहा है यहाँ पे। और जैसे मैंने ऊपर बढ़ाया, इस तरह से यहाँ पे भी इसको थोड़ा चौड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 या 7.1 उसके करीब कुछ रखना है, और हाइट भी थोड़ा इसका बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 2 mm कर रहा हूँ नीचे की तरफ। देखो ये एक, अब देख रहे हो कि लुक थोड़ा सा आ रहा है। ओके, इसको कर लेते से। और इसकी एक कॉपी हम लेयर में रख लेंगे। इतना करने के बाद अभी हमें क्या करना है कि हमें एक सरफेस यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। कैसे? देखो ये वाला जैसे कि टेक्सचर हमने बना लिया है यहाँ पे। अभी हम एक टारगेट लेते हैं यहाँ पे कि पहले तो हम काउंट करेंगे। देखो यहाँ पे काउंट कैसे करना है कि ये वाला मिडल लाइन है, अगर ये मिडल लाइन है तो यहाँ पे किस तरह से कितना है, 1 2 3 4 5, 5 पीस पूरे जाने वाले हैं यहाँ पे। 5 इस तरफ 5 इस तरफ, मतलब 10 पीस टोटल है ये वाले। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, और इस तरफ भी 5 5 10 हो गए। ठीक है, 10 पूरे राउंड लेने हैं यहाँ पे। तो इसको कैसे हम करेंगे, तो पहले तो हमें एक टारगेट लेना है राउंड का। जैसे मैं यहाँ पे 10 तो ज़्यादा हो गया, तो वो क्या करते हैं कि 4 mm का जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अभी के लिए सर्कल, और इसको इस तरह से रख के यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको अरेंज कर लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ 20 22 यहाँ पे कुछ इस तरह। तो यहाँ पे ये हो रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा कि इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ तक हो गया। तो मेरे हिसाब से ये अभी ठीक से जा रहा है। इसको हम ऐड कर लेते हैं दूसरे कव को, और ये भी करते हैं डिलीट। देखो ये इतनी चीज़ यहाँ पे हो गई, हो गया यहाँ पे। इसको क्या करते कि कोशिश करते इसको यहाँ पे इसको पुल बैक करने की। यहाँ पे Ctrl 2 इसका शॉर्टकट है। ये हमने पुल बैक कर लिया, कॉपी किया, डिलीट किया और ये पेस्ट किया। देखो इतनी चीज़ हो गई है। इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे मिरर करते हैं। देखो ये इस तरह से। अब एक सर्कल हमें और लेना है यहाँ पे। हमें याद रखना है कि कितने mm का हमने यहाँ पे सर्कल लिया था, तो 4 mm का था। तो यहाँ पे क्या है कि देखो इस तरह से थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे स्ट्रेट रखना है, ये जो है इस तरह से स्ट्रेट रखना है। इसको जॉइंट कर लेते हैं, ये को डिलीट करते हैं, और एक बार सर्कल लेते हैं इस तरह से देखने के लिए कि क्या ये हुआ है या नहीं। तो इतना अंदर मर्ज हो रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे मूव कर लेंगे कुछ इस तरह से। और डायमंड में एक एक ही यहाँ पे वो करना पड़ेगा। ठीक है, सेट करना पड़ेगा एक एक डायमंड, क्योंकि उसमें साइड में एक पैटर्न भी है, तो वो हम ऐसे ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम आइडिया यहाँ से ही लेते हैं, इस कव से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अभी हम इमेज में देखेंगे तो एक है, उसके बाद और 2 लाइन है, इसके बाद और 2 लाइन है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये थोड़ा हम कम कर सकते हैं, और 2 लाइन है यहाँ पे। तो क्या है? थोड़ा ये क्या हो रहा है कि छोटा भी हो रहा है। तो पहले तो एक एक लाइन को यहाँ पे सेट करते हैं। इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने किया था मिरर वैसे कर लेते पहले। और इस साइड पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे हुआ है, ऐड किया ये 2 जगह पे। तो हम कितना यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ तक यूज़ करेंगे कि ये, सॉरी ये डिलीट करते हैं। और ये जो काउज है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको रोटेट करेंगे कुछ ऐसे,
ये किया, फुल बैक कॉपी डिलीट करना है, ये हो गया यहाँ पे। और इसको भी यहाँ पे पुल बैक करके इसको डिलीट करते हैं। ओके, इतनी चीज़ हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑफसेट भी हमें अंदर की तरफ देना है, लेकिन उनसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि पूरी कितनी लाइन यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्रेज एडिट करके इसको थोड़ा चौड़ा करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। ये सेक्शन में नहीं होगा, ये आपको बाद में ही करना पड़ेगा। देखो ये जो चीज़ है ये वाले, क्योंकि ये जो राउंड है वो सेक्शन में नहीं होगा, तो आपको मैन्युअली कंट्रोल शिफ्ट जेड करके ये चीज़ करनी पड़ेगी। और रही बात वापस से कहो को ठीक करने की, तो वो आपको कैसे करना है, पुल बैक करना है, कॉपी करना है, डिलीट करके कुछ इस तरह से। ओके, ये इतनी चीज़ हो गई। इसी को हमें क्या करना है कि इसी को हम करेंगे कॉपी। जैसे मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, और इसको क्या करते हैं कि रोटेट करके यहाँ पे दोनों के सेंटर में ले लेते हैं, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह से। एक और लाइन यहाँ पे ऐड होने वाली है, तो पहले ही इस ये चीज़ कर लेते हैं। और इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे जितना मैं कॉपी किया था उतना अरेंज करना है, बाकी सब डिलीट करते हैं, एक्स्ट्रा जो भी कहो है इसे भी क्या कहते हैं डिलीट करते हैं यहाँ पे। और जो ये जो कहो है इसको यहाँ पे रोटेट करके कुछ थोड़ा सा क्लोज लेते हैं, उसके बाद फुल बैक कॉपी डिलीट और पेस्ट, ये चीज़ हो गई। अभी यहाँ पे क्या है कि देखो राउंड के बाद दो लाइन ऐड हुई है, राउंड के बाद दो लाइन, एक लाइन और है, एक और लाइन यहाँ पे ऐड करनी है। तो उसको क्या करेंगे कि इसी की कॉपी करेंगे कुछ ऐसे, इसको डाउन भी करना पड़ेगा, थोड़ा रोटेट भी करना पड़ेगा इस तरह से, इस तरह से। और इसको अरेंज करते हैं, पहले इसको दे देते हैं लेयर दूसरा, ताकि ये देखो अभी यहाँ पे क्या होगा कि इसको छोटा करना पड़ेगा, जहाँ तक ये दोनों मैच ना हो जाए उतना छोटा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि हाँ ये डिलीट करना है। ओके, इस तरह से होना चाहिए यहाँ पे, तो ये सब डिलीट करते हैं, जो भी ये एक्स्ट्रा है वो डिलीट करते हैं। और इसको भी क्या करेंगे, पुल बैक कर लेते हैं, कॉपी और डिलीट, ये किया पेस्ट। ओके, इतना हो गया, आप देख रहे हो कि अच्छे से ये इतनी पैटर्न हो गई है। ये जो बाकी का जो है वो हम अलग से वापस ऐड करेंगे। देखो कहाँ तक यहाँ पे हम कहाँ तक कर सके, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर ये सेंटर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये वाला सेंटर है तो 1 2 3 तो हो गए, 1 2 3, ये वाला 4 है, ये वाला 4। ओके, ये यहाँ से ये ठीक हुआ है 4। हमें ये ऐड करना है ये दोनों के बीच में, यहाँ पे एक ऐड करना है यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐड करना है, तो ये ठीक से होगा फिर। ओके, इतना होने के बाद अभी क्या करना है, देखो ये अप डाउन भी है, यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको अंदर की तरफ ऑफसेट देना है, कितना, 0.4। इसको अंदर की तरफ 0.4, और इसको भी अंदर की तरफ देना है 0.4। यहाँ पे 0.8 हो जाएगा फिर, अगर 0.4 0.4 यहाँ पे करते हैं तो। यहाँ पे एक चीज़ ये करनी पड़ेगी, थोड़ा इसको बड़ा कर रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको अरेंज करते जाना है। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे ये 0.4 हो गया। इसको क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोर करके, ठीक है, इसको एक्सप्लोर करके बाकी का एक्स्ट्रा है वो डिलीट कर लेना है, क्योंकि ये दो टुकड़ों में है, तो इस तरह से ऑफसेट आपको इसका मिलेगा। और मैं क्या करता हूँ कि इसको
दूसरा लेयर दे देता हूँ जो भी ठीक से हो रहा है उसको। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको यहाँ से ट्रिम करना पड़ेगा, देखो तो इस तरह से। तो ये मेन हमारे दो कव हो गए, अब ये वाला है तीसरा, इसको क्या करना है ये एक्सप्लोर करके डिलीट करना है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे तीसरा कव, ये वाला तीसरा कव हो गया। अभी एक चीज़ हमें यहाँ पे जो करनी है, यहाँ पे एक कव लेना है और यहाँ पे मैं 1 mm दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो ये जो भी हाइट कम पड़ रही है ये वाली, इसको हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरह से। और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते, इसको क्या करेंगे पुल बैक कर लेते वापस से। तो इसको और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और अब इसको पुल बैक कर लेते हैं, देखो इसको टच करवाना है हमें यहाँ पे। तो क्या करेंगे, थोड़ा रोटेट, थोड़ा और बढ़ाते हैं और पुल बैक। ओके अभी ठीक से मिल गया है, ये करते हैं डिलीट। देखो ये यहाँ पे टच हो गया अच्छे से। ओके तो अभी हम यहाँ पे टेक्सचर जो बन रहा है उसी को, उस पर ध्यान देंगे अभी के लिए। यहाँ पे एक ड्रॉ करना है, हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जाना है हमें कव में, और तीसरे ऑप्शन में ये स्केच ले लेना है यहाँ पे, या फिर ये वाला भी आप ले सकते हो। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो अगर इस तरह से होता है कि जब आप यूज़ करते हो और ये आपको पिच इस तरह से सिलेक्शन में दिखता है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल ई करना है, उसके बाद हमें ये ऑप्शन लेना है। देखो ये अभी भी नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, कंट्रोल टी करके 3D करना है, ऑप्शन लेना है, फिर भी ये दिख रहा है। तो कंट्रोल टी करके पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन ले लेंगे। देखो अभी भी इस तरह से थोड़ा सा अगर हम करेंगे तो ये बेसिकली चला जाना चाहिए, लेकिन अभी ये सिलेक्शन जा नहीं रहा है। तो इसके ऊपर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर मैं आपको कोई वीडियो में अगर पता मैं देख लूँगा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, देखो कुछ इस तरह से। तो ये थोड़ा उस तरफ हो रहा है ड्रॉ, तो इसको क्या करेंगे कि ऑप्शन यहाँ पे लेंगे कुछ इस तरह से। ओके तो यहाँ से हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ओके यहाँ पे हो गया, इमेज में देखेंगे कहाँ पे ये वाला ड्रॉ है, ये वाला। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो ये कव यहाँ पे टच हो रहा है, देखो ये वाला टच हो रहा है यहाँ पे। तो इतना चीज़ हमने ये ठीक नहीं हुआ है, देखो ये यहाँ पे ये ठीक नहीं हुआ है। इसको क्या करना पड़ेगा कि इसको कम करना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन। कुछ इस तरह से अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको ऑफसेट देते हैं 1 mm। ओके तो इसको यहाँ पे टच होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद इसको एडिट करते हैं। तो इसको इसको यहाँ पे फिर एडिट कर लेंगे, रिबिल्ड देते हैं पहले। यहाँ पे मैं 8 दे रहा हूँ, और इसको लॉक कर लेते हैं पीछे के मेटल को। अब इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे एडिट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, भले ही वो ऊपर नीचे हो जाए उसको हम पुल बैक कर लेंगे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है अभी उसके लिए। अभी हमें फोकस करना है मेन शेप पे, शेप ठीक से हो जाए उसके बाद पुल बैक कर लेंगे। तो देखो ये चीज़ कुछ इस तरह से, इतना हो गया। इसके बाद इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे पुल बैक कर लेते हैं डिलीट, इसको वापस से रिबिल्ड करना है और थोड़ा और यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से।
इसको वापस से इसको यहाँ पे पुल बैक कर लेना है। ओके देखो इस तरह से कुछ ये ड्रॉ हो जाने के बाद इसको थोड़ा और शेप मेरे हिसाब से देना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से अभी इसको वापस से यहाँ पे पुल बैक कर लेते हैं। ओके और इसको क्या करना पड़ेगा कि इसको थोड़ी अंदर लेके कम हाइट देके इसको वापस से पुल बैक यहाँ पे करवाना पड़ेगा। ये चीज हो गई यहाँ पे, देखो ये हमारा यहाँ पे ये वाला मेन है ये पार्ट। यहाँ पे हमें ऑप्शन देना है 0.4 और इसको एक्सप्लोर करके कुछ इस तरह से क्या करना है कि देखो ये इसको थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा मेन पॉइंट, ये हाँ इसको भी थोड़ा ऐसे कुछ चौड़ा करेंगे तो ये बॉर्डर पतला रहेगा। यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा इस तरह से करना पड़ेगा। और ये रही बात राउंड की, राउंड में क्या करना पड़ेगा कि राउंड को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ऐसे ताकि ये बॉर्डर मैच रहे उनसे। अभी हमें यहाँ पे ये सब डिलीट करना है, इसको हम रहने देते इसको थोड़ी देर के लिए लॉक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके तो ये जो चीज़ है वापस से उसको हमें रोटेट करके वो करना पड़ेगा। इसको भी लॉक कर लेते हैं। ओके और ये जो है इसको ट्रिम कर लेते हैं जो चीज़ है। लेकिन ट्रिम इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसको ना थोड़ा मर्ज रखना है कुछ इस तरह। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉपी करेंगे कव की और उसमें से ट्रिम करेंगे ताकि ये मर्ज रहे थोड़ा। इसको यहाँ से भी करना पड़ेगा। ओके और यहाँ से भी इसको करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको पहले तो वो होना ज़रूरी है, अरेंज होना ज़रूरी है। इसको क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा वो ध्यान नहीं देना है आपको, नॉर्मली इस तरह से कट कर लेना है। ओके ये चीज़ हो गई, ये हो गया। इसमें अभी यहाँ पे कट करना बाकी है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। और अभी यहाँ पे पहले तो इसको कट कर लेते हैं। देखो ये चीज़ हुई, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये नहीं होगा यहाँ पे, पहले इसको राउंड को करते हैं यहाँ पे। ओके ये हो गया राउंड, इसको डिलीट करते हैं एक्स्ट्रा वाले काउ को। इसको क्या करेंगे कि अभी थोड़ा ऐसे रोटेट करके इस पर पुल बैक करना पड़ेगा। ओके वो हम बाद में करेंगे, नहीं साथ में करना पड़ेगा क्योंकि अंदर जा रहा है। तो इसको कर लेते हैं, कॉपी किया डिलीट और ये पेस्ट कर दिए। देखो ये इतना हो गया। उसके बाद अभी यहाँ पे एक एक करके इस तरह से हमें वापस से वही प्रोसेस से अरेंज करना है। जो हमने ऑफसेट देना था वो तो दे दिया, तो मैं इस पे ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से कव को अभी आपको सेट करना है। तो इतनी चीज़ कर लीजिए, उसके बाद हम मैं भी कर लेता हूँ, मैं ये थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ पार्ट।
ओके, तो आई होप कि आपको पता चला होगा वीडियो जो अभी फास्ट किया या जो भी हुआ था। तो इतना हो जाने के बाद देखो, आप देख रहे हो कि किस तरह से मैंने इसको यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वायर मतलब काउच दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे किस तरह से मैंने आपको देखा वीडियो में कि किस तरह से मैंने ये काउच ड्रॉ किया सब, ठीक है। तो ये भी मैंने कैसे किया देखो, यहाँ पे पूरी तरह से पैक कर लिया है। अभी ये चीज़ जो है जो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या करना है। अभी देखो इसको इस तरह से ट्रिम कर लेना है, कुछ इस तरह से जो भी बीच का जो है इतना ट्रिम करना है। इसको एक मिरर करके यहाँ पे ट्रिम करेंगे कुछ ऐसे। देखो इतनी चीज हो जाने के बाद यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, एक लाइन लेनी है बीच में कुछ इस तरह से, और इसको हम क्या करेंगे ऑफसेट दे देंगे बोथ साइड। इसमें यहाँ पे 0.5 दे रहा हूँ, ओके कुछ इस तरह से। इसमें भी हमें क्या करना है, बीच का ये सब कट कर लेना है। देखो ये पार्ट कट करना है कुछ इतना। यहाँ पे हम इमेज में देखेंगे तो आप देखो कि यहाँ पे बीच में कट है, यहाँ पे ये पूरा है, यहाँ पे कट है, ओके। इतनी चीज हम क्या करते हैं यहाँ पे हो जाती है। देखो इतनी हो गई। यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट में आना है और ये जो है इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। कौन सा, ये वाला ऑप्शन है कि ये वाला एग्जिस्टेबल कव ब्लेंड, इसको यहाँ पे यूज करना है। देखो कुछ इस तरह से, लेकिन इसमें अभी और गैप चाहिए हमें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको हम थोड़ा और ऑफसेट देते हैं। जैसे 5 दिया था मैं यहाँ पे, ऑफसेट 7 दे देता हूँ, ओके। तो इसको क्या कहते हैं पूरा ये ट्रिम कर लेते हैं, और अभी ये वही यूज करते हैं वापस से। देखो अभी बीच में गैप रह रहा है, तो ऐसे करते जाना है इस तरह से, 1 2 1 2 इस तरह से, ओके। इतनी चीज हो गई। इसको क्या करना है, देखो ये तो यहाँ पे डिलीट होने वाला है, और ये पूरा यहाँ पे मिरर होने वाला है। इसको क्या करते हैं ज्वाइंट कर लेते हैं, तो ये चीज ज्वाइंट हो गई, ओके। देखो इतनी चीज हो गई, ये सेट का भी अच्छे से बन गया है, ठीक है ये पूरा। तो इस तरह से कर्व आपको करना जरूरी है, इस तरह से आपको पहले कर्व कर लेना है। अभी हम क्या करेंगे कि इसमें पहले हम यहाँ पे डायमंड करेंगे पेस्ट। डायमंड को सेट करने के लिए कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अभी किस तरह से डायमंड बनाना है वो पहले हम पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। तो डायमंड के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले थोड़ा टारगेट देखते हैं कि कितना आ रहा है। जो तुम्हें यहाँ पे लाइक 1.5 का डायमंड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए। देखो इस तरह से यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं सेंटर में इस तरह से रख लूँगा डायमंड को। अभी के लिए जल्दी जल्दी में यहाँ पे हम डायमंड रख लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे भी 1.5 यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले हमें देखना है कैरेट भी टारगेट दिया गया है हमें, तो वो भी देखना है कि कितने कैरेट में ये होता है। तो यहाँ पे भी 1.5 यूज करेंगे, और यहाँ पे हम छोटा एक डायमंड यूज कर सकते हैं, वो बाद में रखेंगे, पहले जो भी 1.5 का हो सकता है वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें छोटा ही रखना पड़ेगा लाइक 1.3, यहाँ पे हम 1.5 रख सकते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे एक छोटा डायमंड रखेंगे या फिर देखते हैं कि इसमें किस तरह से। हाँ यहाँ पे एक छोटा है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1.1 का डायमंड यहाँ पे रख लेंगे। देखो इतनी चीज हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं मिरर, और उस साइड पे भी कर लेते हैं मिरर। यहाँ पे देखो इतना हो गया, अभी देखते हैं क्या कैरेट। देखो 0.70 आया है, ठीक है 73 हो गया है, लेकिन आप देख रहे हो कि काफी करीब है। देखा, आप इस तरह से आप आइडिया ले सकते हो। जैसे कि मैंने कोई इसमें देखा, मैंने पहले ट्राई नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, पहली बार में ही हमारा कैरेट यहाँ पे आ चुका है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो इस तरह से, आप यूज़ करके सब कुछ। तो इस तरह से आप बनाओगे तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा, और इस तरह से बनता रहेगा।
मैं आपको बता रहा हूँ बोल के, इसलिए थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम जा रहा है, वरना इसमें कम टाइम में आप ये डिज़ाइन इस तरह से बना सकते हो। देखो इतनी चीज़ हो गई, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी हम कुछ यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कोलेट यहाँ पे बनाते हैं पहले। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेंटर वाले को लेते हैं, या फिर एक सेंटर में नया ही क्रिएट करते हैं, इसको हम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए सब कुछ ये भी। और यहाँ पे एक डायमंड लेते हैं हम 1.5 का, इस तरह से। तो अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से बना हुआ है। देखो ये पूरा टेक्सचर यहाँ पे वी कट में डिज़ाइन है, यहाँ पे ये ब्लर है तो नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसी कुछ डिज़ाइंस बनाई है तो मुझे पता है ये किस तरह से कट करना है वो। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि एक हम यहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद हम ऊपर रखते जाएंगे एक एक करके। तो यहाँ पे पहले हमें बनाना पड़ेगा कोलेट, कोलेट बनाने के लिए F6, और यहाँ पे करेंगे बेजल। इतना होने के बाद यहाँ पे हम बेजल से ही कुछ करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, पहले इसको कर लेना है 0, डोम भी हम कर लेते हैं 0, देखो इस तरह से। और ये हाइट भी हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके इतनी चीज़ हो गई। इसको कितना रखते हैं कि बॉर्डर रखते हैं लाइक 0.4 रखते हैं यहाँ पे, ये स्ट्रेट कर लेते हैं, हाइट इसका कम कर लेते हैं, ये 0.5, इसको 7 रख लेते हैं। ओके इतनी चीज हो गई, देखो ये हो गया। अभी इसमें क्या करना है, इसको डायमंड को पकड़ने वाला है कौन है, मतलब डायमंड किससे अटैच रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या करना है कि इस तरह से आपको कुछ ऐसे लाइन करना पड़ेगा, एक इसको करेंगे यहाँ पे हम अंदर की तरफ ऑफसेट देना है, जैसे में 0.2 तो कम हो रहा है, इसको क्या करेंगे थोड़ा इसे बड़ा करेंगे ताकि वो टच मर्ज रहे डायमंड, और इसको ऑफसेट देते हैं अभी। तो इसको थोड़ा ऐसे भी करना पड़ेगा, देखो कुछ इस तरह से। इतना होने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको दे देते हैं लॉफ्ट यहाँ पे, और ये कर लेते कट। लेकिन इतना करने के बाद भी ये ठीक से नहीं होगा, देखो ये पॉइंटिंग नहीं चाहिए हमें, ऐसा पॉइंट थोड़ा राउंड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे कि थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा हमें, ये वाली जो चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे, कोई अच्छी एक इमेज होगी उसमें आपको दिखाता हूँ मैं। तो इमेज थोड़ा ब्लर है तो आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा, पर काफ़ी आप अच्छे से बना सकते हो इसको। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे पेच कर लेते हैं इसको, ये जो है ये वाला अंदर का पार्ट, इसको क्या कहते हैं पहले, तो F10 करके इसको ले लेते हैं डाउन कुछ इस तरह से, और ये पूरा पूरा हम ले लेते हैं अब कुछ ऐसे। इसको हम क्या ट्राई करते हैं, तो इसको हम क्या ट्राई करते हैं पेच देने की कुछ इस तरह से, देखो ये हो गया। कव को हाइड कर लेते हैं, और इसको ट्रिपल ही करके मेटल दे देना है आपको, और ओके। तो इतनी चीज़ हो जाने के बाद आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे अच्छे से ये पेस्ट कर लिया है, मिरर कर लिया है, सब कुछ अरेंज हो चुका है। तो काफ़ी हद तक डिज़ाइन हमारी रेडी है, अभी हमें काम यही बाकी है कि इसमें फिलेट करना है और नीचे से कट करना है। तो पहले इसको थोड़ा हाइट करते हैं, क्योंकि थोड़ा फाइल हेवी हो चुका है उस छोटी छोटी डिटेल्स की वजह से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जेम कटर करना है, यहाँ पे सब डायमंड को सिलेक्ट करके यहाँ पे जेम कटर में हम जाना है हमें, और यहाँ पे नॉर्मली स्टाइल में जाना है, और ये वाला यूज कर लेना है पूरा वाला। देखो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा निकल के इसको क्या करना है, पूरे यहाँ पे कट कर लेना है। इसको हम बुलियन करने वाले हैं, तो ये पूरा बुलियन कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बुलियन करने में। और ये बुलियन हो जाने के बाद हमें जो ऊपर की जो बॉर्डर्स है, ये वाली जो बॉर्डर, उसको फिलेट भी करना है। तो इसको डिलीट करते हैं, और देखो ये देखते हैं
हो गया है यहाँ पे बुलियन अच्छे से। अब देख रहे हो अच्छे से ये यहाँ पे जैसा इमेज में था वैसे हो चुका है। इसको क्या कहते हैं यहाँ पे फिलेट कर लेते हैं। देखो ये पूरा यहाँ पे इसको मैं 0.12 कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये फिलेट हो चुका है। बाकी सब कुछ अच्छे से हो गया, इसको भी यहाँ पे फिलेट कर लेते हैं पहले। इसको थोड़ी देर हाइड रखते हैं। ये पूरा अराउंड बॉर्डर सिलेक्ट करने का भी यहाँ पे 0.15 कर रहा हूँ यहाँ पे मैं लेट। ओके अभी जो फिलेट करना है हमें इसके इस वाले बॉर्डर में करना है। देखो बॉर्डर आपको इस तरह से अलग से ही बनाना है ठीक है, ताकि आप इसमें अच्छे से एडिट कर सको। ऐसा नहीं करना कि इसके अंदर ये छोटे छोटे पार्ट्स बुलियन करके आपको करना है, उसमें मेहनत ज़्यादा होती है। ये इजी ट्रिक यही है कि इस तरह से आप करो। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ पे पूरा क्या कहते हैं ट्रिम कर लेते हैं, और इसको यहाँ से भी पहले इसको कैप करते हैं और इसको यहाँ से भी पूरा ट्रिम कर लेते हैं और इसको भी कैप कर लेते हैं। ओके तो कोशिश यही करनी है कि इजी तरीके से आप कर सको। देखो ये पूरा यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, पूरी ऊपर की जो बॉर्डर से वो इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसको नहीं करना है क्योंकि ये मिरर होने वाला है, इसको भी नहीं। तो और आपको देखो ये सिलेक्ट कैसे करना है, वहाँ पे आपको करना है जहाँ पे दो आप आसानी से ले सको इस तरह से। अभी ऐसे नहीं करना है कि 1, 2 और 3 ऐसे बीच बीच में सिलेक्ट करो, ऐसे कॉर्नर पे जाना है ताकि आप दोनों आसानी से इस तरह से सिलेक्ट कर लो कुछ इस तरह, तो वो थोड़ा सा फास्ट होगा। तो इस तरह से पूरा यहाँ पे क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेना है, लाइन छूटनी नहीं चाहिए आपको, ध्यान से देख लेना है क्योंकि आपको फिर वापस से पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए पूरा यहाँ से ध्यान से देख लेंगे। और फिलेट एक बार में इस तरह की डिज़ाइन में ये बॉर्डर होती है जिसमें ऐसे उसमें ज़्यादा फिलेट नहीं देनी है, कम फिलेट देने की कोशिश करनी है। जैसे हम यहाँ पे 0.12 फिलेट ट्राई करते हैं, अगर ये हो जाता है अच्छे से तो देखो यहाँ पे फिलेट नहीं हो रही है अभी। इसमें कुछ हो सकता है कुछ दिक्कतें यहाँ पे, तो इसमें अभी क्या करेंगे कि कोशिश आप कर सकते हो, थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा इसमें, लेकिन आप यहाँ पे मैं 0.12 देखो यहाँ पे हो रही है कोई चीज़ें जहाँ पे ये नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखो ये पहले क्या कहते हैं हम आउटर ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे 0.1 करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, तो एक बार के लिए देखना पड़ेगा कि कितना फिलेट आ रहा है। यहाँ पे 0.05 करते हैं, देखो ये अच्छे से आ रहा है, 0.05 अच्छे से आ रहा है, तो मे भी सब जगह पे ये अच्छे से आ जाएगा। और अंदर की तरफ आप थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे जहाँ पे नहीं आ रहा था वो तो मैं पता चल गया कि कौन से कहाँ पे नहीं आ रहा था। तो अंदर का तो सब इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पे हम 0.12 आराम से दे सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं आ रहा है वहाँ पे भी, तो हो सकता है ये पॉइंट्स की वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे भी 0.1 की ट्राई करते हैं पहले। यहाँ पे अब ये चीज़ हो जाती है कि एक एक को आपको एक एक बॉक्स को ये जो है उसको आपको फिलेट के लिए ट्राई करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। एक या दो आप एक बार में सिलेक्ट कर सकते हो, पूरा एक साथ नहीं करना है क्योंकि नहीं आ रहा है तो फिर वो मेहनत होगी, तो एक दो बॉक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। ओके तो यहाँ पे ये फिलेट हो चुका है, देखो यहाँ पे बाकी अभी ओके यहाँ पे और एक ये बाकी है, ध्यान से देख लेते हैं कोई बाकी है या नहीं। नहीं है ओके, इतना हो जाने के बाद इसको हम क्या करेंगे मिरर कर लेते हैं और ये ग्रुप कर लेंगे।
पेट्स को भी यहाँ पे ग्रुप कर लेते हैं। इतनी चीज़ हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वेट करेंगे, हम यहाँ इसका वेट करना पड़ेगा। तो इसको तो पहले क्या कहते हैं कि सेव कर लेते हैं फाइल को। अब देखते हैं कि हमारा टारगेट कितना है। देखो यहाँ पे 0.50 आ गया है यहाँ पे। ओके, तो ये जो हमें टारगेट दिया गया था उसमें ही हमने ये फिनिश किया है। तो इसको एक बार के लिए सेव कर लेते हैं फाइल को, और उसके बाद वेट करके देखते हैं कि वेट का टारगेट हमारा फिनिश या हम क्लोज जा सके हैं या नहीं, वो देख लेते हैं एक बार। ये छोटी छोटी पैटर्न्स जो है उसकी वजह से फाइल थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए ये सेव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसको एक बार वेट करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा 14K में 13 ग्राम वेट आ रहा है, लेकिन हम जितना क्लोज जा सकते थे उतना हमने कर दिया है। तो यहाँ पे भी और एक ये जो देख रहे हो प्रोंग थोड़ी बड़े है, और मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा वेट और कम होगा, तो उसके हिसाब से 10 का टारगेट मेरे हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको थोड़ा दो तीन ग्राम को प्लस में डिले हम कर सकते हैं, ठीक है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो। ओके, तो ये हमारी रिंग यहाँ पे हो गई ख़त्म। यहाँ पे मैं आपको फोर व्यू कर लेता हूँ, ताकि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है केट के ऊपर तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। देखो ये बैक व्यू, तो ये यहाँ पे पूरा मैं इस तरह से आपको कर देता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे हम इस रिंग को फिनिश करते हैं, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो जो भी अभी तक भी लास्ट तक वीडियो देख रहा है उसको ले थैंक यू।